आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। अपना नाम बताइए। पलक भेजा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि वो जो लड़का था वो हमसे मतलब हमको एक गुमराह करके हमसे कुछ पैसे ले रहा था। दो बार 50,000 लिया, फिर 20,000 करके 15,000 करके हमसे 1,80,000 रुपये लिया है। और उसके बाद दो चैन भी लिया है, एक मोबाइल भी लिया है, और गाड़ी भी मेरे ही पैसा का लिया है, बाइक लिया है। तो इस लड़के को आप कब से जानती हैं? इस लड़के को हम 7-8 महीने से जानती हैं। तो कैसे मुलाकात हुई आपकी इससे? हमसे इससे पहले तो इंस्टा पे बात होती थी, फिर इंस्टा से बात होते थे, वो बताया कि हम बनारस में रहते हैं, तो हम बोले कि ठीक है, वो बोला कि हमसे मिलो, तो हम मिले, तो उसी टाइम से बात चालू। तो कितना पैसा अब तक ले चुका है वो? कितना पैसा ले चुका है अब तक? वो हमसे 1,80,000 ले लिया है, गाड़ी लिया है, दो चैन लिया है। हाँ बताइए, क्या हुआ था जो आप लोग का आना यहाँ हुआ? नमस्कार, इस समय हम लोग सिगरा थाने पे मौजूद हैं। इस समय हमारी मेंबर हैं, उनकी बेटी है, ये इनके साथ इंस्टाग्राम पे आजकल कॉमन है बात करना, आजकल लड़के लड़कियाँ बात कर रहे हैं। इसी जनरेशन को ख़त्म भी करना चाहिए ये जो चल रहा है। और इनकी बात एक लड़के से हुई 6-7 महीना पहले, तो उस लड़के से इन्होंने मिला भी 2-3 बार, बाहर बातचीत हुई भी है। फिर उसके बाद ये लड़का इनको ब्लैकमेल करने लगा, फ़ोटोज़ भेज के इनके मम्मी पापा और भाई की धमकी देता था मारने का। इसके थ्रू इनसे काफ़ी पैसा भी ले चुका है वो, और अब भी आज भी वो कैंट स्टेशन पे पैसा लेने आया था। जो हम महिला मंडल की ग्रुप के लोग हैं उसको हम लोगों ने पकड़ा है और सिगरा थाने पे लेके आए हैं।